नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के अंदर सितंबर महीने में हमें कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालने चाहिए, जिससे जो हमारा पेढ़ी गन्ना है ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके, इसकी जो लंबाई है ये अच्छे से बढ़ सके, इसकी जो मोटाई है वो अच्छे से बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात किसान भाई ये है कि हमारे जो गन्ने के अंदर पोइयाँ होती हैं, इन पोइयों का साइज बड़ा हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा पोई का साइज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा ही हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और उतना ज़्यादा वजन ही हमारा गन्ना हमें निकाल करके दे सकता है। इस समय पर किसान भाइयों आपको इस चीज़ का बड़ा बारीकी के साथ ध्यान देना है कि हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है ये कैसे बढ़ सकती है, इसका वजन हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और गन्ने के अंदर कोई रोग भी इस समय पर ना लगने पाए। तो इन बारीक बारीक बातों को आपको पेढ़ी गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लगभग किसान भाइयों पेढ़ी गन्ना गिनने में एक से लेकर डेढ़ महीने का हमारा समय बचा है, यानी कि लगभग लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर शायद जो हमारी मिलें हैं ये चलना शुरू हो जाएंगी। और तब तक का समय आपके पास किसान भाइयों बचा हुआ है कि आप अपने गन्ने की लंबाई को, मोटाई को और इसकी पैदावार को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि जब तक आपने अच्छी मेहनत नहीं की तो आपकी सारी लागत अब तक की वो किसान भाइयों बेकार हो जाएगी। कुछ किसान भाई इस समय पर एनपीके का उपयोग कर रहे हैं, तो किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का ये तीनों का एक मिश्रण होता है, लेकिन इस समय पर यदि आप एनपीके का उपयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ सकता है और ये तीनों इस समय पर पूरा अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसान भाई गन्ने की जो हमारी फसल है इस समय पर लगभग 10 से लेकर 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट के आसपास की हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों का जो पेढ़ी गन्ना है वो 15 से 16 फीट के आसपास का हो चुका है, कुछ किसान भाइयों का पेढ़ी गन्ना है वो 12 से 13 फीट के आसपास का हो चुका है। तो इस समय पर किसान भाइयों आप चाहे एनपीके डालें, चाहे डीएपी डालें, चाहे 11 मिला कॉम्प्लेक्स डालें, कोई सा भी खाद यदि आप इस समय पर डालेंगे तो उसके जो रिजल्ट होंगे पेढ़ी गन्ने के अंदर वो लगभग 60 से लेकर 70% रिजल्ट आपको निकाल करके दे पाएंगे। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको बता दूं, किसान भाई जैसे ही आप खाद को नीचे डालते हैं तो हमारा जो खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने के अंदर 5 से लेकर 6 फीट की हाइट तक ही पहुँच पाएगा और वहाँ तक ही आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे पाएगा। तो कोशिश करें कि इस समय पर आप ज़्यादा खर्चीले खाद, ज़्यादा महंगे कीटनाशक या ज़्यादा महंगे स्प्रे का उपयोग ना करें, कम खर्च में, सस्ते खर्च में आप अपने खेत के अंदर हल्के खाद डाल दें, जिससे किसान भाइयों आप जो हैं ज़्यादा अच्छी पैदावार अपने गन्ने की फसल से ले सकें, क्योंकि गन्ने की इस समय पर बढ़वार बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, लंबाई भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और मोटाई भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इस समय पर यदि हमने खाद बिल्कुल नहीं दिया तो भी किसान भाइयों हमारी जो पैदावार होगी वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। तो हमें खाद डालने भी हैं और सस्ते भी डालने हैं, तो इस चीज़ का आपको बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा किसान भाई, खादों के नाम तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस खाद की मात्रा कितनी आपको डालनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पेड़ी गन्ने की सिंचाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, वे किसान भाई अपने खेत की सिंचाई समय से करते रहें, खेत के अंदर नमी लगातार बना के रखें, क्योंकि यदि नमी आपके गन्ने की फसल की टूटती है तो किसान भाई आपकी जो पैदावार होगी वो 10 से लेकर 15% तक कम हो सकती है। तो इस चीज़ का बड़ी बारीकी के साथ आपको ध्यान रखना है कि पेढ़ी गन्ने के अंदर नमी को आपको बिल्कुल भी नहीं टूटने देना, क्योंकि नमी अगर टूटेगी तो गन्ने के अंदर जो है जो रुई होती है रुई बननी चालू हो जाएगी और गन्ने का जो वजन होगा वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप गन्ने को मील पर गिरेंगे तब आपको दिखाई देगा कि आपके गन्ने की जो पैदावार है, जो उसका वजन है, वो पहले के मुकाबले कम हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको नमी खेत के अंदर बनाकर रखें, मैंने ये नहीं कहा कि पानी भर के रखें, पानी नहीं भरना है गन्ने के अंदर, लेकिन नमी लगातार बना के रखें। आज आपने पानी दे दिया, जब लगे कि हाँ गन्ने के अंदर नमी कम हो रही है तभी आपको दूसरा पानी उसे दे देना है। अब बात कर लेते हैं खाद की कि कौन सा खाद आप इस समय पर अपनी पेढ़ी गन्ने के अंदर आपको डालना चाहिए जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा रेट आपको निकाल करके दे सकता है। तो किसान भाइयों इस समय पर आपको डालना चाहिए यूरिया। यूरिया यदि इस समय पर किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालेंगे तो गन्ने की बढ़वार को, गन्ने की ग्रोथ को, गन्ने की चमक को ये लगातार बढ़ा करके रखेगा और नाइट्रोजन होने की वजह से आपका जो पौधा होगा वो लगातार हरा भरा बना रहेगा। तो यूरिया की यदि मैं मात्रा की बात करूं किसान भाइयों तो 40 से लेके 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले लें और इसके साथ ही किसान भाइयों कोई भी एक हल्का सा कीटनाशक आप इस समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल दें। कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों मेरा फेवरेट रहता है रिजेंट, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। इसकी मात्रा की बात करूं तो 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप
रिजेंट ले लीजिए, जिसकी मात्रा किसान कीमत जो है किसान भाइयों 300 से लेकर